युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले कश्मीर में भेंट की तस्वीर है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंशु मिश्रा राहुल गांधी के साथ बात जोड़ यात्रा समापन के साथ लेकर चलते नजर आए। छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा में आज कुंडा से चौरई तक भाजपा ने निकाली स्वाभिमान यात्रा। 10 किलोमीटर लंबी स्वाभिमान पथ यात्रा में 7,000 से अधिक लोग हाथों में भाजपा का झंडा लेकर निकले। छिंदवाड़ा के तामिया रेनी खेड़ा के पास भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार। दुल्हन को लेकर परासिया से पिपरिया जा रही थी कार, 5 की हालत गंभीर। हमीरपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। राठ कोतवाली क्षेत्र के किरपर मूल के पास हुआ हादसा। करगापुर में विधायक ने राम राजा सरकार ओरछा के दर्शन के लिए शुरू की पदयात्रा। विधायक राहुल सिंह लोधी और उनकी पत्नी ने की पूजा अर्चना, कहा खरगापुर से चलकर 4 दिनों में ओरछा पहुंचूंगा। अंडिया में सेवानिवृत्त एवं शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित, शिक्षक गोपाल चंदेल की सेवानिवृत्त के अवसर पर आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कुरवाई में पिपरई की टीम ने कुरवाई की टीम को हराकर जीती प्रतियोगिता। एक दिवसीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन, जिसके विधायक हरीश सिंह सप्रे भी रहे मौजूद। अकोले में ज्वेलरी की दुकान में 3 बुर्का पहनी महिलाओं ने 40 ग्राम सोने के जेवरात पर किया हाथ साफ। सोने के लॉकेट और कानों की इयरिंग भी की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। ऐसे में जिला अस्पताल के सामने 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे मानव सेवा समिति के लोग 1 फरवरी से क्रमिक भूख हड़ताल की प्रारंभ, मौके पर नहीं पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। बैतूल में पति ने खुद के पेट में घोपा चाकू, झगड़े के बाद घर छोड़कर मायके चली गई थी पत्नी। पति की हालत गंभीर, पति की चिचोली गाँव की घटना। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी से नगर निगम को जाने वाला रोड हुआ खस्ता हाल, रेत और गिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आने से रोककर पलटी, मजदूर ने कूदकर बचाई अपनी जान। अकोले में कुएं में गिरी बकरी को बचाने के प्रयास में व्यक्ति की कुएं में डूबने से मौत, रस्सी कूदने से कुएं में गिरा, डूबने से हुई मौत, परिवार में पसरा माता पुलिस दर्ज के मामला। सीवर के लाड़कुई में वन रक्षक हिमांशु तोमर को वन मंत्री ने किया सम्मानित। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने 20,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बुरहानपुर में महाराष्ट्र से खाना बनाकर लौट रही महिलाओं के ऑटो को आईएसएल वाहन ने पीछे से मारी टक्कर, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, बुरहानपुर जिला अस्पताल में कराया गया। रायसेन में डिप्टी मैनेजर मुकेश कुमार सिन्हा के रिटायरमेंट पर बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर दी विदाई। SBI सागर रूट में विदाई समारोह किया आयोजित, कार्यों को किया याद। अल्मोड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज। कुमाऊं के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत में कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी प्रदीप रमता को सौंपी। बुरहानपुर के काशी में भगवान भोले की निकाली अनोखी बारात, शिवमय हुआ शहर, डीजे की धुन पर तिरकी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस। हल्द्वानी में थाना मुखानी क्षेत्र स्थित लाल डांट रोड के पास मिला लावारिस शव, सीसीटीवी की मदद से आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। हल्द्वानी से उत्तराखंड युवा एकता मंच 31 जनवरी को घोड़ा खाल गुलू देवता के दरबार में न्याय पद यात्रा लेकर पहुंच चुका। सरकार की सद्बुद्धि को लेकर लगाई जाएगी अर्जी। कानपुर में लंडोरा रेलवे स्टेशन पास पुल पर हाई गेज लगाने के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कम ऊंचाई पर हाई गेज लगाने से ग्रामीणों को होती है परेशानी। बुरहानपुर जिला अस्पताल में हर्बल गार्डन को किया जा रहा विकसित, आज किया गया पौधारोपण। पौधे लगाने से कई बीमारियों का होगा सुधार। छिंदवाड़ा में गुप्त नवरात्रि पर 51 बालिकाओं ने दी हवन में आहुति, आदि युग परिसर में किया गया आयोजन। राजा भर्तृहरि की तपस्या स्थली के रूप में जाना जाता है महाशक्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया 5वां आम बजट, बीजेपी ने उम्मीदों वाला बजट बताया। विपक्ष बोले महंगाई बेरोजगारी की तो उसमें बात ही नहीं। इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी, गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, युवाओं रोजगार के लिए अहम ऐलान। पाक मंत्री का कबूलनामा, कहा हमने आतंक का बीज बोया मस्जिद हमले पर बोले आसिफ, कहा अब देश को सुधारने की जरूरत, भारत में ऐसे हमले नहीं होते हैं।